तो दोस्तों ये है एक मोटर, यानी कि एक कोरलेस मोटर जो कि साइज में बहुत ही छोटा है। बट मैं आपको बता दूं कि ये भले से ही छोटा है पर ये बहुत ही स्पीड में चलता है, ये 18,000 RPM पर चलता है। तो दोस्तों आज इस मोटर के साथ में मैं एक बहुत ही कमाल का आइडिया लाया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने अपने चैनल पर पतंग से रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें कि मैंने LED लगाई है अपने पतंग में या मैग्नेट के तरीके से उड़ाया है। तो आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही कमाल का वीडियो लाए हैं। हम क्या करेंगे, ये जो छोटा सा मोटर है ना, ये प्रोपेलर के साथ में इसको पतंग में लगाने वाले हैं और देखना ये है कि हमारा जो पतंग है वो उड़ता है या नहीं। तो मैंने ये जो पूरा सेटअप है ना ये बना लिया है, मैं आपको सीधा दिखाता हूँ कि किस प्रकार का है और फिर उसके बाद टेस्ट करके देखेंगे कि वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई वो पतंग ये रही, ये देखो आपने इसको मैंने कैसे बनाया है, भाई मैं आपको दिखा दूं। तो ये है हमारा कोरलेस मोटर जिसमें ये प्रोपेलर लगा हुआ है और ये रहा उसका वायर जिसको हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पतले वायर में लगाया हुआ है और ये वायर जो है ना वो कुछ इस प्रकार से लंबा होकर के यहाँ एक छोटी सी बैटरी में आता है। ठीक है, अभी इस बैटरी में मैंने लगाया एक स्विच, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा हमारा जो मोटर है वो चलने लगता है। ठीक है, तो ये जो कम्प्लीट पतंग है आप देख सकते हो हमने किस प्रकार से बनाया हुआ है, ये कुछ ऐसा है। ये एक छोटा सा पतंग है बट ये अपने आप से उड़ेगा तो बहुत ही कमाल का लगेगा, इसीलिए मैंने इसको बनाया है। तो अभी बारी आती है इसको ट्रायल करने का, इसको टेस्ट करने का, तो चलो फटाफट टेस्ट करके देख लेते हैं ये कैसा चलता है। ठीक है, तो भाई ये रही पतंग और ये रहा उसका स्विच, अभी जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये चलने लगता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये उड़ता कैसे है। ठीक है, तो ये मैंने दबाया और इसको मैंने छोड़ा तो ये ऊपर चला गया। ठीक है, फिर से एक बार ट्राई लेते हैं, ये लिया पतंग मैंने और इसको प्रेस किया और छोड़ा तो ये गया ऊपर। अभी आप सोच रहे हो कि यार ये जो पतंग है ये बार बार नीचे गिर जा रहा है, वो दरअसल इसलिए हो रहा है कि हमने इसमें जो तार लगाया हुआ है ना वो बहुत ही छोटा है। होता क्या है कि ये जो पतंग जब तक फ्री रहता है तब तक ऊपर की साइड जाता रहता है और जैसे इस तार में तनाव आता है ये गिर जाता है। अभी हमारे पास बहुत बड़ा वायर नहीं है जिसकी वजह से हम इसमें बड़ा वायर लगा कर उड़ा सकें या फिर कहाँ तक जाता है, तो हमारे पास छोटा वायर ही है। बट स्टिल आप देख सकते हो हमारा जो पतंग है वो बहुत ही कमाल तरीके से उड़ रहा है। ठीक है, आज का वीडियो यही है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।